जो कोरोना के लिए टेस्ट करवाने जाते हो वो इतना आसान नहीं है। लोग पहली बार तो जा ही नहीं रहे, डर रहे, समझ रहे हो, बाहर जाना सबके लिए खतरनाक सा हो रहा है कि कैसे जाएं, डर लग रहा है। कई लोग तो अगर किसी को प्रॉब्लम है कोरोना की तो घर पे ही बैठा है, मतलब वो सोच रहा है कि चलो 3-4 दिन कुछ ऐसी दवाइयां ले लेते हैं कि अब तक ठीक हो जाए। जो लोग बोल रहे हैं घर पे बैठ के कि अब तक ठीक हो जाए, कई लोग ठीक हो भी रहे हैं लेकिन कई लोग नहीं भी हो रहे हैं, तो ये खतरनाक सिचुएशन पर है। हम लोग बॉम्ब पे बैठे हैं अभी, वो बॉम्ब एक्चुअली फटा भी है, सेकेंड वेव इसीलिए आई है, समझ में आ रहा है। और दूसरा थर्ड वेव कभी भी आ सकती है, और उसके पीछे की सबसे बड़ी समस्या ही टेस्टिंग है, और हमारे पास इतने हेल्थ वर्कर है ही नहीं, हम लोग टेस्ट करेंगे कहाँ से। सबसे बड़ी समस्या ये, इतने हेल्थ वर्कर है ही नहीं। तो 1 से 1.5 साल हो गया कोरोना को चलते, हमने सिर्फ 30% जनता की टेस्टिंग की है, और टेस्टिंग 70% लोगों की टेस्टिंग बाकी है। जो भी लोग हैं जो टेस्टिंग करेंगे उनको भी तो अपने जान माल का खतरा है, मतलब उस डर से भी धीरे धीरे टेस्टिंग हो पा रही है, जरा समझो।